सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो ये 4-in-1 सॉयल सर्वे इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या काम रहता है, किस किस फार्मिंग में इसका यूज होता है और ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में ये इंस्ट्रूमेंट क्यों जरूरी है, इसी के बारे में आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। ये एक 4-in-1 सॉयल सर्वे इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे 4-in-1 का मतलब होता है कि एक चीज़ से आप चारों चीज़ का मेज़रमेंट कर सकते हो। चारों चीज़ क्या है, एक तो है सॉयल का जो पीएच है वो, दूसरा है सॉयल में मॉइस्चर कंटेंट यानी कि भीगापन कितना है, तीसरा है कि सॉयल का अंदर का टेम्परेचर क्या है, और चौथा है कि एनवायरनमेंट में यानी कि आसपास के परिवेश में लाइट कितना है। ये चारों चीज़ आप मेज़र कर सकते हैं इससे। अब ये कहाँ पे मिलेगा, कैसे ऑपरेट करना पड़ता है, ये सब चीज़ में हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इसका जो मेजरमेंट है इसका पैरामीटर क्या है। जो भी पैरामीटर है ये आपको इसी बॉक्स में मिल जाता है, यहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है। सबसे पहला चीज़ है कि मेजरमेंट ऑफ लाइट इंस्टेंटली ऑन द करेंट एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो अभी के आसपास की परिवेश है इसमें कितना लाइट का कॉन्टेंट है इसके बारे में। इसका 5 पैरामीटर है जो कि है लो माइनस यानी कि वेरी लो, और लो मतलब मास लो, लो का मतलब होता है लिटिल लो, नॉर्मल क्यू नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल प्लस क्यू हाई, हाई माइनस लिटिल हाई, हाई मास हाई, और हाई प्लस का मतलब है सबसे हाई में रहता है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉयल, यानी कि सॉयल में कितना, ये सॉयल में कितना मॉइस्चर है इसके बारे में ये चीज़ बताती है। इससे आपको क्या हेल्प होती है कि इससे आपको पानी देने में हेल्प होता है पौधे में। इसका भी जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पे शो होता है। ड्राई प्लस का मतलब है बहुत ड्राई, ड्राई का मतलब है बस थोड़ा सा ड्राई, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, वेट का मतलब हल्का भीगापन, और वेट प्लस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा भीगापन। तीसरे चीज़ में हम आ जाते हैं, तीसरा जो है वो है कि मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, यानी कि ये सॉइल के अंदर में कितना टेम्परेचर है ये इस चीज़ से बताता है कि कितना इसके अंदर टेम्परेचर है। इसका भी वही पैरामीटर है यानी कि टेम्परेचर का वही पैरामीटर है जो कि आपको मिल जाता है डायरेक्टली देखने में। ये जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले पे इसको डायरेक्ट शो करता है, और ये आपको सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में दिख जाता है। और चौथा चीज़ जो इससे मेज़र किया जाता है वो है सॉयल का पीएच, सॉयल में कितना खार है, कितना अम्ल है इसके बारे में आपको पता चल जाता है, वो भी यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिस्प्ले में शो होता है। तो इसका जो पैरामीटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 3.5 से 6.5 तक है तो ये एसिडिक है, 7 इसका नॉर्मल है, और 8 से 9 तक ये बहुत अल्कलाइन मिट्टी हो जाता है। तो ये है ये इंस्ट्रूमेंट का जो भी आप पैरामीटर है वो सब यही है। तो ये है वो 4-in-1 पीएच मीटर जिसका लंबाई 200 mm का रहता है, और इसको ऑपरेट करने के लिए इसका पीछे वाला हिस्से में यहाँ पे एक 9 वोल्ट का बैटरी लगता है जो कि आपको जब इसको खरीदेंगे तब आपको मिलता नहीं है। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको आप इधर और इधर कर सकते हैं, इधर दोनों साइड मूव करा के इससे अलग अलग पैरामीटर ले सकते हैं इसको। तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको अमेजोन पे इजीली अवेलेबल होता है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। और इसका रेट जो है ये लगभग 1600 रुपये के आसपास में मिलता है। तो ये देखिए, ये है वो 9 वोल्ट का बैटरी जो आपको अलग से खरीदवा के इसमें लगाना पड़ेगा, तो इसको आपको अलग से लगाने पड़ेगा, ये आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं दिया जाएगा। और इसका नीचे वाला ये पोर्शन जो है इसमें सेंसर होता है, तो ये सेंसर को हम लोग खोल लेते हैं और इसी को मिट्टी के अंदर घुसाना पड़ता है। जैसे ही आप इसको मिट्टी के अंदर घुसाते हैं तो इससे जो है सारा सब कुछ मेज़र हो जाता है।
देखिए ये ऑन वाला बटन है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें आ गया ये। तो अभी इसको हम जो है यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पे रख देंगे ताकि इसका हम जो भी मेजरमेंट है ये सब ले सकें। तो देखिए यहाँ पे हम घुसा दिए, बहुत ज़्यादा घुसाना नहीं है। तो अभी इसका मेजरमेंट चेक करिए, देखिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो दिखा रहा है, यानी कि टेम्परेचर अभी जो है इन्वायरमेंट में जो भी है, देखिए चारों तरफ अंधेरा की तरफ है क्योंकि बारिश होने वाला है। तो अभी जो है इसमें लो दिखा रहा है और टेम्परेचर यानी कि सॉइल का अंदर का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। और ये तो अभी हमारा इधर बारिश भी हुआ था, आप देख ही पा रहे होंगे मिट्टी एकदम भीगा भीगा है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर में क्या दिखाई दे रहा। ये देखिए ये अभी फारेनहाइट पे आ गया है, 82 डिग्री फारेनहाइट। यहाँ पे देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट, आप सेल्सियस पे देखना चाहते हैं तो बस एक बार और प्रेस कर दीजिए, देखिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मॉइस्चर अभी वेट प्लस है, यानी कि बहुत वेट है, यानी कि भीगापन इसमें बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसका पीछे में जो दिखा रहा था उसको हम एक साइड कर देंगे तो उसका फिर दूसरा मेजरमेंट आ जाता है। देखिए पीएच के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, अभी तुरंत इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए तो ये पीएच अभी स्टेबल हो गया 7, यानी कि हमारा एकदम जो दी बेस्ट होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक ही करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपको दी बेस्ट पीएच मिलता है। यहाँ पे लाइट दिखा रहा है लो। अभी दूसरे एक पे चल जाते हैं, वहाँ का भी मेज़रमेंट ले लेते हैं, इसमें आ जाते हैं, बस इतना घुसाना सही रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम पीएच बाद में चेक करते हैं, पहले दूसरा चीज़ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वेट प्लस दिखा रहा है, जो एनवायरनमेंट में लाइट है वो लो है और अंदर का जो मिट्टी का अंदर का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। अभी इसको हम साइड कर देंगे और पीएच को नापते हैं, अभी ये पीएच स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए अभी ये जो पीएच है ये 7 के आसपास स्टेबल हो चुका है। तो और इधर हम ये देखिए ये फारेनहाइट में दिखा रहा है अभी का टेम्परेचर, इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो ये सेल्सियस में भी दिखाने लगेगा और नीचे जो है ये वेट प्लस है यही दिखा रहा है। तो इससे ऐसे मेज़रमेंट किया जाता है। और अगर आप इसको ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो यही बटन है इसको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे तो ये अपने आप में ऑफ हो जाता है, बस हो गया ऑफ। तो इसी तरह से इसको ऑपरेट और इससे मेज़रमेंट किया जा सकता है। अभी आप जो क्लिप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले हमारे इधर भयंकर ओला गिरे थे, तो इसी के चलते ज़्यादातर प्लांट, आप सभी प्लांट भी बोल सकते हैं, हमारा बहुत डैमेज हो गया था। यानी इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ से इसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है वो सब डैमेज हो गया था। और हमको लगता है कि सेकंड मंथ का एपिसोड में आपको कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 10-15 दिन इसको रिकवरी में लग जाता है। नेचुरल क्लाइमेट भी कभी कभी आ जाता है जो बहुत हम लोगों को नुकसान करके जाता है, लेकिन ये सब एक पार्ट है। आप फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें आपका ये सब आप पकड़ के नहीं चलते हैं, लेकिन ये सब आता रहता है, जाता रहता है। तो यही था आज का वीडियो में। अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।